कटेंगे तो कटेंगे चा विरोध करणारे बहुतेक त्याचा अर्थ समजू शकले नाही तसे देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटले. अजित पवार पंकजा मुंडे यांच्यावरील प्रश्नावर फडणवीसांनी हे उत्तर दिलं. अजित पवार धर्मनिरपेक्ष विचारांसोबत होते. हिंदुत्वाचा विरोध करणं म्हणजे धर्मनिरपेक्षता असं मानणाऱ्यांच्या सोबत हे अजित पवार होते असं देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं आहे. जब हम योगी जी के बयान के बारे में बात कर रहे थे तो आपके एक सहकर्मी हैं अजीत पवार जी, उन्होंने कहा इसके लिए जगह नहीं है. पंकजा भी कहती है कि इसके लिए जगह नहीं है. पहली बात तो यह है कि शायद ये लोग या तो जनता का सेंटिमेंट नहीं समझ पाए या फिर इस बात का वो मतलब नहीं समझ पाए या बोलते हुए वो शायद कुछ और कहना चाहते हैं और उसका अर्थ अलग गया. इन तीनों में से कोई हो सकता है. मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है. सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्फ्स सेक्युलरिस्ट. हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे. इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा. बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें